दो वर्ष से पूरे विश्व में चल रही कोरोना महामारी ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। बड़े बड़े उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, कई लोगों के रोजगार छिन गए हैं, लोगों को भूखे मरने की नौबत तक आ गई। इस बीमारी से शैक्षिक गतिविधियां भी बुरी तरह प्रभावित हुई। इस महामारी में कई लोगों ने हार मानकर मौत को गले लगा लिया और कई लोगों के हौसले अभी भी बुलंद है। ऐसा ही हौसला दिखाया है जयपुर जिले के फुलेरा तहसील के गाँव सिनोदिया में स्थित बीएल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक मदन लाल बुगालिया ने। स्कूल में करीब 500 बच्चों का नामांकन था। पिछले साल से जब से लॉकडाउन लगा स्कूल भी बंद पड़ी है। बच्चों की फीस का मामला अभी कोर्ट में अटका हुआ है, लेकिन संचालक को तो स्कूल स्टाफ को घर बैठे पगार देनी पड़ती है और जब बच्चों की फीस ही नहीं आई तो संचालक स्टाफ को कहां से पगार दे और साथ ही घर परिवार का भरण पोषण कैसे करे। इस बात को ध्यान में रखते हुए संचालक मदन लाल चौधरी ने अपनी स्कूल के पास खाली पड़ी करीब 2 एकड़ जमीन में बरसात के पानी का होद खुदवाकर बूंद बूंद सिंचाई से तरबूज की फसल बो दी और खुद भी खेत में मेहनत करने लगे। आज उनकी इस मेहनत के कारण भरपूर तरबूज की फसल पैदा हो रही है और संचालक का खेत और स्कूल जयपुर फलौदी मेगा हाईवे पर स्थित होने के कारण स्कूल के बाहर ही तरबूजों की ट्रोली भरकर खड़ी कर लेते हैं, जिससे रोड से गुजरने वाले वाहन चालक ताजा तरबूज ले जाते हैं और संचालक को कहीं दूर बेचने जाने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। संचालक ने बताया कि रोज करीब 1 से 2 क्विंटल तरबूज बिक जाते हैं, जिससे अच्छी आमदनी होने लगती है। साथ ही 600 पेड़ थाई एप्पल के बेर व 200 पेड़ अमरूद के भी बो दिए हैं, जो दिसंबर माह तक फल देने लगेंगे।